हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र चकली रेसिपी, भाजनी की चकली हम बनाने जा रहे हैं। तो ये भाजनी आटा है जो मैंने 250 ग्राम लिया है। इसकी जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक मैं इस रेसिपी के साथ दे दूँगी। ये 250 ग्राम मैंने लिया है और स्वादानुसार हमें नमक लगेगा। 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है, 2 टीस्पून हमने सेसमे सीड लिया है तिल, और 2 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है। और पानी बाजरी का हमें आटा लगाना है उसके लिए लगेगा, और ऑयल हमें चकली को फ्राई करने के लिए लगेगा। ये एक बर्तन हमने लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को हमें धुआं आने तक गर्म करना है, तो पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसमें से अभी धुआं निकलना शुरू हो चुका है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। पूरा ठंडा करना है हमें ऑयल को। हमारा ऑयल अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये 1.5 कप पानी डालेंगे। ये मैंने 1.5 कप पानी लिया है। मैं गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ और बाकी की चीज़ें अभी इसमें मिक्स करती हूँ। नमक हमें लगेगा स्वादानुसार, जो मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अजवाइन है 1/2 टीस्पून, तिल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, और रेड चिल्ली पाउडर 2 टेबलस्पून। आप जैसे तीखा खाते हो इस हिसाब से आप रेड चिल्ली की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हमारा पानी अभी अच्छी तरह से बॉइल हो चुका है। अब हम इसमें ये धीरे धीरे करके आटा डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। आटे को अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा आटा अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से लग गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखते हैं। ये हमारा आटा लग गया है पूरी तरह से। अब हम इसे बड़े प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा हाथ में हम ठंडा पानी लगाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए आटे की। हमारा आटा बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसे चकलियाँ बनाएंगे। थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं 2 मिनट के लिए और फिर इसे चकलियाँ बनाएंगे। ये हमने लोहिया को लिए बड़ी बड़ी। अब हम ये चकली का मोल्ड है जिसमें इस तरह से हमें चकली का ये चाहिए जो हम अंदर डाल रहे हैं, इसे इस तरह से डालना है। अब इसे हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। पूरे मोल्ड को हम ग्रीस करेंगे ताकि हमने जो आटा लिया है वो अंदर चिपके नहीं, इसलिए हमने इसे ग्रीस करके लिया है। अब हमने जो ये आटे की लोइया बना के लिए है ये हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए अंदर भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक इसमें 2 लोई।
रहे हैं। समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी हमारी चकलियाँ अच्छी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सभी चकलियाँ भी फ्राई हो चुकी है, हमने निकाल लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चकलियाँ हमें एकदम हॉट ऑयल में ही फ्राई करनी है, तभी वो अच्छी बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सभी चकलियाँ बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रंची बनी है और इसका कलर भी देखो बहुत ही अच्छा आया है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।